हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ मर्सिडीज की GLA एंड GLA कोपे फेसलिफ्ट मॉडल के बारे में, जो कि ऑफिशियली इंडिया के अंदर जो है वो जल्दी लॉन्च होने वाली है, यानी कि 31 जनवरी के दिन जो है वो लॉन्च होने वाली है। एंड अगर फ्रेंड मैं इसके चेंजेस के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड ये हमें और भी ज़्यादा हमें स्पॉटियर एंड डिजाइन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर के साथ जो है हमें देखने को मिलने वाले है, जिसके अंदर मुझे GLA का फेसलिफ्ट मॉडल देखने को मिलता है, जो कि हमें तो GLA फेसलिफ्ट मॉडल है फ्रेंड। इसका जो सेकंड जनरेशन मॉडल है, जिसके एक्सटीरियर के अंदर हमें न्यू एलईडी हेडलैम्प सेटअप, एलईडी टेल लैम्प सेटअप, रिवाइज व्हील आर्च एंड साथ में इंटीरियर के अंदर हमें जो मर्सिडीज का लेटेस्ट जो एमबॉक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी एंड फ्रेंड साथ ही में हमें जो हमें GLA का फेसलिफ्ट मॉडल देखने को मिलता है, जिसके अंदर 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन एंड 2.0 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन ही जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर में एक और स्पॉट ईयर यानी कि हमें AMG GLA 35 मॉडल भी जो है हमें देखने को मिलेगा। GLA कोपे मार्केट जो कि ऑलरेडी हमें मार्केट के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है, यानी कि ग्लोबली हमें देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर में जो AMG GLA 53 कोपे देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें इंडिया के अंदर 3.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन जो है हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें 48V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ एंड फ्रेंड इसके अंदर हमें 429 BHP का पावर एंड 9 स्पीड का हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसके साथ में मर्सिडीज का जो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है वो भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो है हमें देखने को मिलती है। एंड फ्रेंड्स और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं एक और न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड्स इधर से अगर आपको हमारे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।